हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एंड आज का हमारा टॉपिक है लार्ज स्केल रिटेलर्स। एंड गाइस, नाम में ही है लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स की बात यहाँ की जा रही है जो बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं। सो द डील इन लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क, यानी जब ये डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स जो है परचेज कर लेते हैं बल्क में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ये लोग गुड्स खरीदते हैं। इनको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इनके बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। लार्ज स्केल है इसका मतलब छोटी मोटी दुकान नहीं है, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं जिनमें अपने ये गुड्स बेचते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, सेंट्रल प्लेस पे, जैसे सेंट्रल मार्केट, मेन मार्केट होती है किस एरिया की, वहाँ पे, या कोई शॉपिंग सेंटर है, कोई शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर बेसिकली ये होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट दीज शोरूम्स, और इतने बड़े बड़े, जितने बड़ा आपको पता है शोरूम है उतने ज़्यादा कस्टमर्स उसको विजिट करेंगे। कुछ खरीदना हो या ना खरीदना हो, बच्चे यूजुअली घूमने फिरने तो जरूर जाएंगे और जाके फोटोज क्लिक करेंगे, है ना। सो लार्ज स्केल रिटेलर्स के कुछ टाइप्स हैं: डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपरमार्केट्स एंड फ्रेंचाइजी। तो ये सभी जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला हम टाइप पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। देखो नाम में ही है डिपार्टमेंटल, यानी कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है इधर। सो हमने पढ़ा लार्ज स्केल रिटेलर्स, तो यानी ये जो है बहुत बड़े बड़े लार्ज रिटेल शोरूम होते हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं किसके अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं जिससे कि और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। बिग बाजार, बिग बाजार आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है इसका शोरूम और इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। कपड़े लेने हैं तो कपड़े ले लो, बर्तन लेने तो बर्तन ले लो, टॉयज लेने हैं तो टॉयज ले लो, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं मिल जाती इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। ठीक है, और ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं बेचते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और हर एक डिपार्टमेंट में जो है, हर एक डिपार्टमेंट एक टाइप के प्रोडक्ट में या वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलिटी होती है उसकी। यानी आपने देखा होगा बिग बाजार वगैरह में जाके ऐसे लाइन सी बनी होती है ना, छोटे छोटे छोटे, जैसे कि वो बने होते हैं शॉप बने होते हैं, या फिर जो आपके अलग अलग फ्लोर बने होते हैं और उन अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं। फीचर्स पढ़ते हैं अब हम किसके, डिपार्टमेंटल स्टोर के। तो सबसे पहला फीचर है लार्ज स्केल, जैसे कि हमने नाम में ही पढ़ा लार्ज स्केल रिटेलर। सो ये ऑपरेट करते हैं लार्ज स्केल पे, यानी बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़ा इनका शोरूम होता है और इनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। वाइड रेंज, वाइड रेंज से यहाँ मतलब है कि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक ही शोरूम में। लो प्राइस का लेना है तो लो प्राइस लो, एक्सपेंसिव महंगे महंगे गुड्स खरीदने हैं तो वो भी कर दो, हर टाइप के गुड्स जो हैं इन शोरूम्स में मिलते हैं। डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, यानी इनके डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट एक अलग से शॉप की तरह होता है और हर एक डिपार्टमेंट जो है स्पेशलाइज होता है इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हर एक डिपार्टमेंट में एक अलग टाइप का जो है प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि यूटेंसिल्स वाले में डिपार्टमेंट में सिर्फ यूटेंसिल्स मिलेंगे, ठीक है, किसी क्लोथ वाले में चल जाओगे तो उसमें सिर्फ कपड़े मिलेंगे, शूज वाले में चल जाओगे उसमें सिर्फ शूज शूज दिखेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइज्ड परचेज, इसका मतलब है कि सारे डिपार्टमेंट जो है खुद से कुछ भी परचेज नहीं करते हैं, सेंट्रलाइज्ड यानी कोई एक बंदा है जो सारी परचेज करता है। हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या करता है, लिस्ट ऑफ हिज रिक्वायरमेंट्स, यानी उसको जिस जिस चीज़ों की जरूरत होती है उसकी लिस्ट बना के जनरल मैनेजर को दे देगा और जनरल मैनेजर क्या करेगा, ही मेक परचेजेस फॉर ऑल डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए सामान कौन खरीदेगा, जनरल मैनेजर। हर एक डिपार्टमेंट खुद से नहीं जाएगा कोई भी चीज खरीदने, जनरल मैनेजर जो है सभी डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे सामान खरीदेगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल लोकेशन, यानी वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था किसी सेंट्रल प्लेस पे, सेंट्रल मार्केट में, मेन मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में, ऐसी जगह पे इनकी लोकेशन होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें इनके शोरूम्स को, एंड पीपल कैन ईजिली रीच देयर, और लोग यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। ऐसे किसी गाँव वाँव में कहीं पर ये नहीं होते हैं जहाँ की हमें कोई व्हीकल ही ना मिले जाने के लिए, है ना, ऐसी जगहों पर नहीं होते हैं, मेन सिटी में ये जो है लोकेटेड होते हैं।
नेक्स्ट इज सर्विसेज. सर्विसेज में ये बहुत सारी टाइप के सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे कि टेलीफोन बूथ होता है इनमें, रेस्टोरेंट होता है इनमें, रेस्टरूम्स यानी वॉशरूम्स वगैरह भी होते हैं इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में. सेवन्थ पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, यानी ये मिडल मैन को बीच में नहीं लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं. कैसे और क्यों? क्योंकि ये जो है अपने गुड्स जो है लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं. और कहाँ से खरीदते हैं? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं. और मैन्युफैक्चरर से खरीद के ये क्या करते हैं, गुड्स को कस्टमर्स को बेच देते हैं. ठीक है, सो बीच में मिडलमैन नहीं आता है, मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदा और बेचा किसको, कस्टमर को. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग भी बहुत करते हैं, जैसे कि आपने बिग बाजार वगैरह की जो एडवर्टीजमेंट देखी होगी, टीवी में आती है, जैसे सेल लगती है, कुछ भी होता है. सो एडवर्टाइज ये बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, दूर दूर तक के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके कि आइए हमारे शोरूम में विजिट करिए. इसके बाद की वीडियो खत्म हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.